सात फेरे के दौरान ही मेरी शादी हुई थी और मैं चाह रही थी कि अब थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्योंकि सीरियल करने में बहुत वक्त उसे देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अपनी फैमिली पे कंसंट्रेट करना चाह रही थी। तो ये डेलिबरेट चॉइस था कि अब कुछ देर तक मैं कोई मुख्य किरदार ना करूँ, तो इसलिए मैंने एक सबैटिकल ब्रेक लिया था सात फेरे के बाद। लेकिन उसके बाद मुझे एक हिस्टोरिकल सीरियल का ऑफ़र आया, महाराणा प्रताप। तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि हिस्ट्री मेरा पैशन है, मेरा फैसिनेशन है और मुझे बहुत मेरी चाहत थी कि मैं एक हिस्टोरिकल कुछ करूं। और तभी मुझे उस सीरियल का ऑफ़र आया और मैंने तब महाराणा प्रताप किया। और उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई और तो बाकी के 3 साल तो मैं उसी में थी। और उस अब शादी मुबारक कर रही हूँ, उसकी वजह एक ये है कि प्रीति का किरदार जो मुझे बहुत ही लुभावना लगा, क्योंकि ये एक ऐसी औरत है जो शायद ये कैरेक्टर प्ले करने में मुझे इतना मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि इट इज़ नॉट अ टिपिकल कैरेक्टर। अब तक शायद ये स्टोरी शायद ही हुई होगी मेरे ख्याल से टेलीविज़न पर। ये इसलिए अलग है क्योंकि टिपिकल वे से नहीं जा रही है स्टोरी, ये टिपिकल कैरेक्टर है नहीं, ये बहुत ही ख़ास कैरेक्टर मुझे लगा। सीधी सादी होते हुए भी या थोड़ी सी सहमी रहते हुए भी वो स्ट्रांग है और वो जवाब देना जानती है। तो मुझे ये उसकी खासियत बहुत अच्छी लगी। ज़्यादातर कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि बस न्याय सह रहे हैं, पर प्रीति ऐसे नहीं है, वो काफ़ी बैलेंस्ड है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले सच काइंड ऑफ अ रोल क्योंकि वो जो थिन लाइन रहती है कि बहुत ही बेचारी और एकदम स्ट्रांग ना होते हुए भी या भी बदतमीज़ ना होते हुए भी, रूड ना होते हुए भी वो अपना स्टैंड अच्छे से लेना जानती है। तो ये मुझे प्ले करना बहुत दिलचस्प लगा और यही एक वजह थी कि मैं शादी मुबारक कर रही हूँ और प्रीति का कैरेक्टर कर रही हूँ। प्रीति के कैरेक्टर को करने के लिए तैयारी वैसे अगर कहा जाए तो कुछ खास नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मुझे लगता है कि बहुत रिजेंबल करता है राजश्री से। क्योंकि जैसे प्रीति बहुत शी इज़ वेरी फॉर्म, मुझे लगता है कि मैं भी वही उसी कैरेक्टर से बहुत रिजेंबल करती हूँ, मैं भी बहुत फर्म हूँ। तो प्रीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मुझे राजश्री दिखती है कभी कभी उसमें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर मुझे बहुत अपना लगता है। एक्टिंग का फैसिनेशन या एक्टिंग की चाहत मुझे लगता है मुझे नूतन जी की फिल्में या स्मिता पाटिल की फिल्में देख कर हुई है। जिस तरीके के फिल्में इन्होंने की है वो फिल्में मुझे बहुत भाती है या मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि कितना अच्छा काम कर रही है। और मुझे भी ऐसी चाहत हुई कि एक स्क्रीन का फैसिनेशन आने लगा। और मैं कहूँगी मेरी रोल मॉडल यही इंडियन टेलीविज़न की यही खूबसूरत एक्ट्रेसेस रही हैं, यही खूबसूरत अदाकारा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगा कि एक्टिंग में जाना चाहिए। बहुत सालों के बाद मैं कमबैक कर रही हूँ तो एक तो खुशी हो रही है बहुत सारी, क्योंकि इस दौरान जब मैंने ब्रेक लिया था उस दौरान इतने सारे मुझे फीडबैक्स आते थे, इतने सारे मैसेजेस आते थे कि लोग बहुत उत्सुक है मुझे देखने के लिए या मेरा काम देखने के लिए। तो वो एक खुशी है कि मैं लोगों के सामने फिर से एक बार आ गई हूँ। और यही चाहती हूँ कि इस कैरेक्टर के ज़रिए या शादी मुबारक के ज़रिए लोगों को मैं उतना ही एंटरटेनमेंट दूँ और लोग मेरा उसी तरह से स्वागत करें जो सात फेरे में किया था या महाराणा प्रताप में किया था, उसी तरह से पसंद करें मेरा काम। बस यही अचीव करना चाहती हूँ मैं। शुरुआत के दौर में जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है या मैं
पहले तो एडवर्टाइजिंग कर रही थी तभी भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली रही है मेरी, तो उन्हें ये पसंद नहीं था, पर पसंद नहीं था ऐसे नहीं है, अच्छा लगता था पर बहुत ही डर लगता था इस क्षेत्र के बारे में, एक्टिंग फील्ड के बारे में बहुत एक तरह का डर था मेरी फैमिली में। और जब उन्होंने मेरा काम देखा, हालांकि मतलब एक्चुअल मेरे सास फेरे का एपिसोड देखा, तब उन्हें पता चला कि नहीं बेटी अच्छा काम कर रही है। तो शुरुआत के दौर में थोड़ा सा हेजिटेशन था उनके मन में, तो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, देवर स्लाइटली अगेंस्ट इट, इतना हार्डकोर मुझे अपोज भी नहीं किया, खैर उन्होंने, पर उतना सपोर्ट भी नहीं किया कि तुम कूदो इसमें, थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव थे शुरुआत के दौर में। पर जब उन्होंने मेरा काम देखा और जब लोकप्रियता प्रियता देखी, लोगों का प्यार देखा कि कितना चाहते हैं वो मुझे और मेरे काम को, तो उन्हें भी ये महसूस हुआ कि नहीं, राजश्री जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो ये विश्वास दिलाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, जो भगवान की दया से हो पाया। मुझे लगता है कि उम्र का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए औरतों के लिए, इसलिए क्योंकि ये दिमाग की बात होती है। अगर आप सोचो क्यों आप सोचना चाहते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि जब आपकी सारे घर की जिम्मेदारियां पूरी हो तो एक नई शुरुआत करने का इससे अच्छा मौका नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 40 साल के हो गए या 45 साल के हो गए सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। ये ज़िंदगी की शुरुआत होती है नई, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि महिलाएँ बहुत सक्षम होती है दिमागी और फिजिकल तौर में भी, मैं कहूँगी, क्योंकि वो एक साथ इतनी सारी चीज़ें करती है कि मतलब कभी कभी ये सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, वो खुद भी नहीं समझती वो कितना कर रही है। तो मुझे लगता है कि खुद की वैल्यू करना सीखिए, और उम्र तो बस बोलने की बात है। अब मैं वापस कर रही हूँ तो वो भी मेरा ही डिसीजन है और प्रोफेशनल तौर पे मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कंटेंट रही हूँ और बहुत सेटिस्फाइड रही हूँ रोल्स को लेके। जो भी मुझे करना था, मतलब सात फेरे कहो या महाराणा प्रताप कहो, ये किरदार करते हुए मैं खुद एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शादी मुबारक से भी मुझे वही खुशी मिलेगी और मिल रही है। सभी दर्शकों को यही कहूँगी कि राजश्री को जिस तरह से आज तक आपने प्यार दिया है, उसके सारे कैरेक्टर्स को जिस तरह से आपने सराहा है, उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप शादी मुबारक को भी उतना ही प्यार दीजिए और प्रीति के काम को, राजश्री के काम को उतनी ही सराहना मिले। थैंक यू सो मच।